ये सात बातें हैं जो आम तौर पर व्यक्ति को कामयाब होने में रोकती हैं, और कहूँगी कि सेवन थिंग्स दैट सेपरेट्स द पुअर फ्रॉम द रिच दैट कैन मेक यू रिच. द फर्स्ट वन इज ईगो. अक्सर ये अहंकार होता है, मैं, मेरा, मैंने किया. कोई भी ऐसा नाम बताइए जिसने कामयाबी हासिल की है. कामयाबी वो जो लेगेसी क्रिएट करे आपकी, ये नहीं कि पल भर की कामयाबी है. ऐसा हर व्यक्ति जिसने नाम और शोहरत कमाई है, ईगो वो ऐसी चीज़ है, रोड ब्लॉक कि मान लीजिए आपने सीढ़ी रखी है जिस पे आपको चढ़ के जाना है. वो ईगो ऐसा है कि आप जितना आगे जाते हैं वो आप पीछे की सीढ़ी काटते जाते हैं, आप आगे बढ़ नहीं सकते. ईगो, अगर यहीं पे ये ईगो आप बदल के ग्रैटिट्यूड में कर दें, ऊपर वाले का शुक्राना कर दें, शुक्रिया करें कि ये है, आपको यूज़ किया गया है, आपको ईश्वर ने एक सिर्फ जरिया बनाया है लोगों की मदद करने का, जो आपको आता है उसके लिए यू बी ग्रेटफुल. सो ईगो इज द फर्स्ट वन. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर सिचुएशंस, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो रिच, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव दैट वेल्थ, इफ़ यू वॉन्ट टू बी समथिंग दैट क्रिएट्स अ लेगेसी, watch yourself every time. Don't have that ego. Ego is also called green dragon. It's not going to serve anyone. Number two, blame. अक्सर सुनते हैं आपकी, लोग आपको कहेंगे मैंने इसलिए जीवन में मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि उसकी वजह से ये रुक गया, करना चाहता था, परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से, या शादी हो गई, या उम्र हो गई, या उस समय हालात अलग थे. हर वो व्यक्ति जो कामयाब हुआ है वो आपको कहेगा मैं कामयाब हुआ क्योंकि. व्हाट्सएप फाउंडर हान कूम ने अपने जीवन में इतनी परेशानी देखी रशिया में. वो कहते थे कि बात भी करते थे तो कहा जाता था संभाल के क्योंकि वो दीवार हैं, लोग सुन सकते हैं. जब वो यूएस आए तो अपनी मॉम के साथ आए, काफ़ी वक्त तक उनके फादर के साथ उनकी बात नहीं हो पाती थी और उनको पता था कि बातें शायद सुनी जाती हों जब वो छोटे थे, जैसे हालात थे. तो उनके मन में ये था, ये परेशानी थी कि कुछ ऐसा करना है. कहीं ना कहीं वही एक वजह थी जो उनके मन में ये था कि कुछ करना है. व्हाट्सएप क्रिएट किया दुनिया को जोड़ने का, जो जुड़ नहीं पाए थे उनको जोड़ा. तो वही एक वजह जो लोगों को रोकती है, वही वजह जो लोग आमतौर ब्लेम करते हैं, वही कारण बनता है उन लोगों का जो कामयाबी हासिल करते हैं. वो बहाना नहीं मानते उसको, वो सिर्फ एक जरिया मानते हैं आगे बढ़ने का. तो ब्लेम करते हैं वो लोग, ये वो आदत है जो उनको जीवन में उठने से रोकती है. बच्चे हैं आपके तो वही तो कारण होना चाहिए कि अगर आपने कुछ किया तो बच्चों में भी वो जोश आएगा. उम्र हो गई तो इस उम्र में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट स्टोरी. हर एक को आप इंस्पायर कर सकते हैं कि मैंने किया, अब मुझे औरों को मदद करना है करने में. वही कारण, वही ब्लेम आपका कामयाबी का एक जरिया बन सकता है. सोच के बताइए मुझे कमेंट करके कि आपका क्या कारण है. तीसरी चीज़, अक्सर लोगों को ये होता है कि मुझे सब आता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है. जिस दिन ऐसा आ जाता है वहीं पे अहंकार वापस आएगा. इतना कुछ है जीवन में सीखने के लिए, और सबसे आसान तरीका जो आपने सीखा है लोगों के साथ शेयर करें. जितना आप जानते हैं उस टॉपिक पे आपकी महारत बढ़ती जाएगी, आप महारत हासिल कर सकते हैं, फिर आप उसके आगे का सीखें. जिस दिन ये आ गया कि मुझे तो आता है, वहीं से व्यक्ति की कामयाबी रुक जाती है. आपने देखा जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स में, लर्निंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपना समय देते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं, फिर उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं. और कामयाब होने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, एक इरादा चाहिए, और बाकी ऊपर वाला रास्ता दिखाता जाएगा. हर वो परेशानी को आप समझें कि आपकी कामयाबी में हेल्प करने के लिए आई है, तो आप सीखते जाएंगे. नंबर फोर, डाउट होता है अगर आपको कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, क्या हुआ अगर मैंने करा, अगर फेल हो गया. कई कारण हो सकते हैं, खुद पर ही भरोसा नहीं है और एक ही भय है कि फेल हो गया तो. हर फेलियर ही है जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा. आपने कुछ सीखा, फेल नहीं होते तो पता नहीं होता ये काम नहीं करेगा,
पर क्यों काम नहीं किया वो आपने सीखा और आप दूसरों को सिखा सकते हैं। मास्टर नहीं बनना है, एक स्टूडेंट बनना है। जितना आप स्टूडेंट बने रहेंगे, जो अंदर का भय है वो जाएगा। कोई नहीं, फेल हुए इस वजह से हुआ, उसमें आगे बढ़ना है। पर देखें कि ये भय आपको क्यों रोकता है, क्या होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसके जीवन में परेशानी नहीं थी। अगर वो भय से ही रहते या खुद पर भरोसा छोड़ देते तो आगे नहीं बढ़ते। आप कमेंट में बताएं कि आपको किस चीज का भय है। नंबर 5, क्रिटिसिज्म, दूसरों की निंदा, दूसरों के बारे में कुछ गलत कहना, दूसरी पर दूसरों के बारे में और परिस्थिति के विषय में भी गलत कहना। आप रास्ते में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आगे आपके इतना ट्रैफिक है, आप शुरू हो गए कि गाड़ी नहीं चलाते या भी ठुक जाएगी, ये देखो ऐसा है, सरकार को ऐसा करना चाहिए। आपने क्या किया? अगर बदल नहीं सकते तो क्रिटिसाइज भी ना करें। और उस समय जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप देखें आपकी ऊर्जा कैसी होती है, जब आप खुश होते हैं कैसी होती है, और जब नेगेटिव सोचते हैं तो ऊर्जा कैसी होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये जो समय मिला है, गाड़ी में आप बैठे हैं, किताब उठा के पढ़ लें, कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुन लें, कुछ अच्छी पॉडकास्ट सुन लें, कुछ ऐसा नहीं तो मनन ही कर लें आप, जो आपको आगे बढ़ाए। जितना आप क्रिटिसाइज करते हैं उतनी आपकी एनर्जी लो होती है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम अकेले का नहीं है। हर चीज़ जहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, और इसलिए नहीं करें कि लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, आपको तो पता है ना, दैट इज़ ऑल इट मैटर्स। दूसरों से तारीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसे देखना है उसने देखा है तो अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अगर दिखावा करके कोई काम अच्छा करना है तो रैदर नॉट डू इट, लेकिन क्रिटिसाइज ना करें, अपनी एनर्जीज वाइब्रेशंस को बढ़ाएं। नंबर 6, अक्सर लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने जीवन में कि अब मैंने कमा लिया, मेरा नाम हो गया, अब ठीक है। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं वहीं पे आपकी प्रगति रुक जाती है। आपको आगे बढ़ना है, कुछ अनूठा करना है, तो क्या करना चाहिए? कंफर्टेबल आप हो गए तो कहते हैं ना, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करते उन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। पहले आईफोन से पहले लोगों को सारे नंबर्स याद रहते थे, अब ये है कि अपना नंबर भी अक्सर लोग फ़ोन पे देखते हैं कि ज़रा ठहरो देखूं क्या है। पहले दिमाग चलता था कैलकुलेटर की तरह, अब अगर बच्चों को बोल दिया जाए तो बच्चे फ़ोन निकाल के या कैलकुलेटर निकाल के बताते हैं, अच्छा बताता हूँ। इतने फिटनेस और जिम बढ़ गए हैं, जहाँ जाके लोग फिटनेस का सारा काम और वर्कआउट्स करते हैं। पहले घर के सारे काम होते थे, उतनी बीमारियां नहीं होती थी। जितना आप कंफर्टेबल हो जाते हैं लाइफ में, लाइफ उतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। उन चीज़ों पे आपका फिर ध्यान जाता है जो शायद अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। लगाएं आप चक्कर, यू गो फॉर अ वॉक, अ जॉग, घर में आप काम करें, और अगर आइडियाज़ नहीं आ रहे लिखना शुरू करें, तो जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं दैट स्टॉप्स योर ग्रोथ, आगे बढ़ने से रोकेगा। And this is the 7th in the big one. By the way, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो hit the subscribe button and the bell notification as well, ताकि हर हफ्ते आपको ये episodes की notifications मिलती रहें। और आपके comments में comments ज़रूर करें, कि क्योंकि मैं respond भी करती हूँ, अब सबके नहीं कर सकती, but I read everyone's. Now 5th one, comparison. अक्सर दूसरों के साथ अपना comparison करने की लोगों की बहुत आदत होती है। आपने कभी देखा कि जब आप रास्ते पे ही गाड़ी चला रहे हैं, हर व्यक्ति की मंजिल अलग है। आप जिस रोड पे जा रहे हैं, आपके आगे कुछ गाड़ियां हैं, आपके पीछे भी हैं, हर एक की मंजिल अलग है, हर एक की स्पीड अलग है। अगर लिखा है जो स्पीड आप उससे ऊपर गए तो आपको टिकट मिल सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है। जीवन में जब जो घटनाएं घटती हैं वो पहले से निर्धारित हैं, उसकी कोई वजह है, ऊपर वाला कुछ आपको सिखा रहा है। जब ट्रैफिक होता है तो आपको कहा जाता है स्लो चलो, और अगर आगे एक्सीडेंट है तो डिटोर भी होता है। अक्सर लाइफ में ब्लॉकेजेस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तो वो ऊपर वाला आपको समय क्यों रोक रहा है? शायद कह रहा है कि टेक अ डिटोर, एक गलत रास्ते पे जा रहे थे आप, रुको, टेक अ टर्न। जब आप कंपेयर करते हैं कि इतनी गाड़ियाँ मेरे से आगे क्यों हैं, सोचिए उस समय क्या होगा, आपका ध्यान हटेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। पर दूसरों के साथ कंपेयर करने से आपकी स्पीड ही तो स्लो होगी।
वो जो तैर रहा है, कंपटीशन में है, अपने आगे अगर देखेगा कितने हैं और पीछे हैं, तो वो एक दो क्षण की वजह से वो हार सकता है। हालांकि जीवन रेस नहीं है, लेकिन आपको जीवन में जब आप ये कंपैरिजन करने लगते हैं तो आपकी प्रगति ही रुक जाती है। ये थी वो सात बातें जो मैंने नोटिस करी हैं कि अगर इनको आप बदल दें, ईगो को ग्रैटिट्यूड बना दें, दूसरों को ब्लेम करने की जगह अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये सोचना कि मुझे सब आता है कि जगह ये मान लें कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ लाइफ, सीखना है, डाउट अपने पर हो या भय होता है तो उसकी जगह बदल दें, कॉन्फिडेंट हो जाएं। नाउ कॉन्फिडेंट और एरोगेंस में भी फ़र्क है। क्रिटिसिज्म करने की जगह आप अप्रिशिएट करें कि आज ट्रैफिक कल से थोड़ा सा बेहतर है, या अभी क्योंकि ट्रैफिक है हिल ही नहीं रहा है तो अच्छा है ये मैं बुक पढ़ लेता हूँ। और जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उस समय सोचें कि अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, दूसरों को सिखाना शुरू करें। और जब दूसरे से कभी तुलना करें तो ये सोचें जिसके पास सब है, जो देता है, वो कभी नहीं कहता मैं मेरा। और जितने भी बड़े दुनिया में ये डिस्कवरीज हुई हैं उनकी जीवनी पढ़ के देखें, कितनी बार वो फेल हुए, या वो व्यक्ति जो जीवन में और आगे बढ़ा है वो अपने आप को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है देयर इज सो मच टू लर्न। आई होप यू ऑल स्टेइंग सेफ एंड डू लीव मी अ कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इनविंसिबल पैशन टॉक शो एंड स्टेइंग विद मी। दिस इज जया करमचंदानी। अंटिल नेक्स्ट वीक।